आज का जो टॉपिक है वो फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी का महत्व क्या है और भारत इसके लिए भारत का महत्व क्या है, तो समझते हैं फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को फारस की खाड़ी किसने कहा? अंतरराष्ट्रीय जो जल सर्वेक्षण है उसने फारस की खाड़ी कहा। फारस की खाड़ी ये वाला क्षेत्र है ना, ये इसको कहते हैं फारस की खाड़ी। अगर कोई जहाज, भारतीय जहाज यहां से प्रवेश करेगा इस वाले से एरिया से प्रवेश करेगा, ये फारस की खाड़ी के तहत आता है। फारस की खाड़ी के पूरब की बात करें तो ये ईरान है, जबकि उत्तर में कुवैत और इराक है, जबकि इसके पश्चिम में ये सऊदी है, ये बहरीन है। बहरीन क्या है? द्वीप, ये देश है। 13 द्वीपों को मर्ज कर बहरीन कहते हैं इसको। ये कतर है, यूएई है, संयुक्त राज्य अमीरात है, ये ओमान है, और सबसे दक्षिण में है इसके, हालांकि इसके फारस की खाड़ी के तहत नहीं आता, परंतु ये यमन है। ठीक है ना, लाल सागर में अगर एंट्री करेंगे ना यहाँ पर, तो अदन की खाड़ी से, यमन से एंट्री करेंगे यहाँ पर, ये लाल सागर है। तो फारस की खाड़ी का महत्व क्या है? एक तो फारस की खाड़ी किसके लिए? गैस और प्राकृतिक तेल, जो प्राकृतिक गैसें हैं, तेल है, क्रूड ऑयल, इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें प्रबाल भित्तियां भी हैं, मोती कस्तूरी है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। परंतु युद्ध के दौरान ये विवाद में रहता है। कैसे युद्ध के दौरान? क्योंकि फारस की खाड़ी में दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक ईरान है जो कि कैसा है, शिया है, और एक सऊदी है जो कि सुन्नी है। तो शिया और सुन्नी को लेकर दोनों देश अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं ये फारस की खाड़ी। क्योंकि ये देखो, तो होता क्या है कि जियो पॉलिटिक्स में ये होता है कि जिस जियो पॉलिटिक्स में कोई महाशक्ति क्यों किसी पर अधिकार करना, किसी जल क्षेत्र पर अधिकार क्यों करना चाहती है, क्योंकि वह भूभाग पर अगर उसका अधिकार हो जाएगा तो उस पर जो भी चीजें, चाहे वो मछलियों का उत्पादन हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, या गैसें हो, या और भी मिनरल्स हो, वहां पर उसका अधिकार हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जब कोई भी विमान वहां से गुजरेगा, जहाज, तो वो सीमा शुल्क लेगा उससे। तो यह शक्ति का प्रदर्शन सिया ईरान और सऊदीया में होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसको ईरान है ना, इस ईरान क्या करता है कि 30 अप्रैल को फारस की, मतलब ईरान का करता है अपना राष्ट्रीय दिवस जो है वो, मतलब फारस की खाड़ी का राष्ट्रीय दिवस 30 अप्रैल को मनाता है। ठीक है, क्योंकि 30 अप्रैल को हुआ ये था कि ईरान का शाह वंश जो अब्बास शाह थे ना, उन्होंने पुर्तगीज को हराया था, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, फारस की खाड़ी को ईरान मनाता है। इसकी फारस की खाड़ी की जो लंबाई है ना, कुल लेंथ है वो 989 किलोमीटर है। मतलब यहाँ ओमान की खाड़ी से एंट्री करते हैं, ओमान की खाड़ी से और कुवैत तक इसकी जो लंबाई है वो ये 989 किलोमीटर। अच्छा, फारस की खाड़ी में जब एंट्री करते हैं तो कैसे करते हैं? एंट्री करते हैं, जब प्रवेश करते हैं तो ये भारत है। यहां से अगर कोई जहाज आएगा तो पहले किधर आएगा? ओमान की खाड़ी में आएगा। ओमान की खाड़ी से जहाज आएगा हारमुज जलमार्ग, हारमुज जलमार्ग जो कि इसे कहते हैं फारस की खाड़ी का मुख है, और इस पर अधिकार है ईरान का। दक्षिणी जो क्षेत्र है वो हारमुज जलसंधि है, हारमुज जलमार्ग है। ठीक है, हारमुज जलमार्ग की अगर जो लंबाई की बात करें कि यह एक तटीय संकीर्ण किनारा है, यहाँ पर 39 किलोमीटर की इसकी कुल, और इसकी लंबाई हारमुज जलसंधि की। कोई भी जहाज अगर प्रवेश करेगा तो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जो मिलाता है ना, वो हारमुज जलमार्ग मिलाता है, जिस पर अधिकार किसका है? ईरान का है। ठीक है ना, तो ये फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी का महत्व क्या है? फारस की खाड़ी का एक तो महत्व बताया कि कस्तूरी जो क्या कहते हैं, जो जो मोती कस्तूर है, प्रबाल भित्तियां है, क्रूड ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, इन सब चीजों से भरमार है। अब भारत का महत्व क्या है? क्योंकि भारत एक निष्क्रिय खिलाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, सारे देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको अफगानिस्तान और जो पश्चिमी देश है, या फिर यूरोप है, या रशिया है, वहां अगर जाना है, तो भारत क्या करता है? ईरान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर हमने बनाया है क्या बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है। तो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान पहुंचते हैं, वहीं से सेंट्रल एशिया और यूरोप में प्रवेश करते हैं। तो फारस की खाड़ी भारत के लिए अत्यधिक लाभ है। अब है क्या कि फारस की खाड़ी जो कि तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज फारस की खाड़ी पर भारत, जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया जैसे जो
दक्षिण पूर्वी ऐसे देश हैं, ये निर्भर किस पर है? फारस की खाड़ी के, फारस की खाड़ी इस पर निर्भर है। अब है क्या कि ईरान पर लगे हैं आर्थिक प्रतिबंध जो कि अमेरिका द्वारा, ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका ये चाहता है, अब देखो अमेरिका का जो एक गुट है कौन, अमेरिका का एलायंस कौन है? सऊदी अरब है, ठीक है। तो अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को कंट्रोल करें, तो ईरान को कंट्रोल हम कब कर पाएंगे? जब अमेरिका कहीं इस इन फारस की खाड़ी के देशों पर किसी को अपना सहयोग देगा, तो अमेरिका सहयोग किसको देता है? वो सऊदी को देता है, क्योंकि सऊदी और ईरान की लड़ाई किस चीज को लेकर होती है? सिया और सुन्नी को लेकर होती है, सिया और सुन्नी को लेकर इन दोनों में लड़ाई होती है, ठीक है। तो ये फारस की खाड़ी का कुछ महत्व था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, जय हिंद।